अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके चैनल पे भी कुछ इस तरह की स्ट्राइक आई है YouTube की तरफ से, अगर आप अपने चैनल पे कुछ YouTube की पुलिस के ख़िलाफ़ कोई वीडियो अपलोड करते हैं और आपके चैनल पे YouTube की तरफ से कोई एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है, तो आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ आप उसे कैसे रिमूव कर। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ से आपने अपना चैनल को ओपन कर लेना है, वो भी डेस्कटॉप साइट के अंदर। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, आगे लिखा हुआ है वार्निंग, आपने वार्निंग पे क्लिक कर देना है। वार्निंग पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा, जो आपको बता रहा है कि आपको जो कंटेंट है जिस वजह से रिमूव किया गया है वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अपोजिट था, इस वजह से आपको कॉन्टेंट को रिमूव किया गया है। अगर आप ये रिमूव या वार्निंग लिखा हुआ इसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक ट्रेनिंग लेनी होगी और जो ये वार्निंग है 60 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टेक एक्शन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। टेक एक्शन पे क्लिक करने के बाद ये बता रहा है कि जिस वजह से आपका जो कंटेंट है वो रिमूव किया गया था, आपने बीइंग रिव्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि टेक ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कंप्लीट आ शॉर्ट ट्रेनिंग 7 क्वेश्चन, अगर आप 7 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपका ये जो वार्निंग है ये ख़त्म कर दिया जाएगा 90 दिन के अंदर अंदर। टेक ट्रेनिंग पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अबाउट द ट्रेनिंग 7 क्वेश्चन है और 15 मिनट टाइम है, 15 मिनट के अंदर अंदर आपने 7 क्वेश्चन का आंसर देना है। अच्छा, उसके बाद कर देते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आप येस इट इज़ पे क्लिक करते हैं, अगर ये रॉन्ग आता है तो यहाँ पे शो होगा री अगेन, यानी कि दोबारा आप नो इट्स डज नॉट पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आपने 7 क्वेश्चन को डन करना है और डन करने के बाद खुद ब खुद ये आपको सबमिट हो जाएगी उनको रिक्वेस्ट।